पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी का बास गांव के एक खेत में। और यहां पे आपको बता दूं कि अगर आप किसान हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि यहां पे कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कीटनाशकों के प्रयोग किए बिना हम अपनी खेती को किस प्रकार से उन्नत और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी इस सेमिनार में दी जा रही है। तो अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मैं आपको यहाँ पे उससे पहले दिखा देना चाहता हूँ कि कितने जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आसपास के गाँव से। अगर इसमें किसान खेत दिवस जो कि 1 दिसंबर को यहाँ पर आयोजित किया गया है और कीट साक्षरता समूह सिरसा के द्वारा इस खेती का जो आयोजन है, इस सेमिनार का जो आयोजन है वो किया गया है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो यहाँ के डॉक्टर आए हुए हैं, जो प्रशिक्षक आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और किसानों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से किसान जो है कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो मेरी आधे एकड़ बाड़ी में मतलब है मरोड़ी आ गया था, तो सारे कहने लगे बोले यार कि मैं गुंदर है तेरी खेती में, बोले कि मैं कर ले को टंका से परे। मैं खाना को नहीं करना, घर आले भी बोलना छोड़ के, साथ में मेरे भाई हैं उनको दोनों ने मिलके वो किया, कहीं हौसला रखा डॉक्टर साहब से, जगरा भी गिरा बिन उन्होंने बात है, उन्होंने बोले कोई नहीं तो चलने दे। लास्ट में अभी मैं 29 मण बाड़ी मतलब मैंने तुलवा दी है सारी, टोटल 2 किलो में थी। 2014-15 में हमारे एडीओ साहब के जो एरिया के गांव हैं 8, वहां का पानी, वहां की ज़मीन, वहां का जो जलवायु है या वहां का जो एटमोसफेयर है उसको लेके हमारे यहां का किसान 6 मण कपास में भी कुद्दे है। 6 मण में हमने इन्हीं के खेत पे 2014-15 में 26 मण कपास निकाली थी। खड़े हैं रेडियो पे, टीवी पे, मैगजीन में और आपकी एक पर्यावरण और विज्ञान की एक डाउन टू अर्थ मैगजीन निकलती है, इनकी इस चीज़ का पूरा इंटरव्यू छपा था कपास चुगती हुई का। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 2014 से अपने खेत को ऑर्गेनिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने धीरे धीरे खेत में फर्टिलाइजर का प्रयोग करना कम कर दिया था 2014 में, और अब इस साल हमने बिल्कुल 0 बजट पर खेती करी है। मैंने 3 एकड़ में धान की फसल थी और धान के अंदर हमने कोई भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कोई भी जहर नहीं डाला। नरमे के अंदर भी हमने इस साल बिल्कुल कोई भी मतलब जहर का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले हम मतलब जैसे आँख, धतूरा, तुम्बा इनकी का जो है घोल बनाकर उसकी स्प्रे करते थे, ना तो हमने दलाल घोल का भी यूज़ नहीं किया, और उसके इसके बावजूद हमारे 23 क्विंटल धान हुआ है 1 एकड़ में और नरमे की औसत 11 क्विंटल की आई है। हमारे जो भी डॉक्टर हैं या किसी के बहकावे में आके वो कहते थे जी ये तो 20 क्विंटल भी हो सकता है, ये 24 क्विंटल भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है। तो ये एक मतलब उन्होंने दिमाग में ऐसा घुसाया, तो हम 2014 तक 12,000 रुपये पर एकड़ तक पहुंच गए। ऐसा मतलब उन्होंने चक्कर चलाया, 2014 का जो मेरा पेस्टिसाइड का खर्च था वो पर एकड़ 12,000 रुपये का था, और उत्पादन जो मेरे इस साल हुआ है 11 क्विंटल पर एकड़ का वही हुआ था। जिनसे बार पहला स्कूल जेवरा में शुरू किया था उसको भी 5 साल शुरू, और उस जेवरा के स्कूल से निकल करके मैं आपको अगर गिनवाऊँ, जेवरा से ही निकल के हिसार जिले में भोजरा, खरकपुनिया, ब्याणा खेड़ा, आर्यनगर,
तीन गांव में हमारे स्कूल चले, राजली गांव में चले, फिर फतेहाबाद में चंद्रावल चलिया, पिछले साल फतेहाबाद में गोरखपुर भी चलिया, अब यहाँ काशी का पास यहाँ चल गया, उधर जींद में हमारा वो दनौदा चलिया। यानी हर बार हर साल हिसार के अलावा भी एक दो चार गांव में ये अभियान फैल रहे, क्योंकि इसमें वास्तविकता सता ये सही अभियान है, वैज्ञानिक अभियान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान कोई लेबोरेटरी की चीज़ नहीं है। जो भी ज्ञान है आपके पास, उस ज्ञान को आप एक व्यवस्थित तरीके से या साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते तो विज्ञान। और जो विधि अपना रहे, मैंने पहले बताया, ये वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि कैसे? हमने मैंने पीएचडी की है, एमएससी की हुई लोग हैं बहुत हैं, हम वहाँ क्या करते हैं? रिसर्च क्या है? रिसर्च में दो तीन चीज़ें मोटी मोटी, जो आप कहीं कर लो, जो किसान भी करा, जो तुम क्लास लगाते हो, ये रिसर्च है। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के इस काम पर पता नहीं कितने लोग पीएचडी कर सकते हैं, अगर ये डाटा कलेक्ट करके और उसको पब्लिश करें तो। रिसर्च में क्या है? आपके पास एक हाइपोथीसिस, यानी आपके एक विचार होना चाहिए। हमारे दिमाग में विचार क्या आया? कीड़े का कंट्रोल कैसे हो बिना इंसेक्टिसाइड, एक विचार आ गया। उस विचार के ऊपर फिर हम ये देखते हैं, इस विचार पे पहले कोई काम हुआ है? उसको अंग्रेजी में कहते रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो हमने पता लगा भाई फलानी जगह इतना हुआ, दिखड़ी जगह ये है, ये है, कुछ कुछ चीज़ें हमें मिली। फिर कार्यविधि, कार्यविधि अपनाते हैं जो कि उसका मेथड क्या है। हम जो मेथड अपनाते हैं बड़ा वैज्ञानिक है, रैंडमली कहीं कहीं हम 10 पौधे सेलेक्ट करते हैं, एक पौधे के 3 पत्ते लेते हैं। यानी मेरा कहने मतलब ये भी तरीका है कार्यविधि वैज्ञानिक विधि। उससे फिर हम डेटा लेते हैं, यानी हमारे पास आ जाते हैं प्रति पौधा इतने कीड़े, इतना हरा तेला, इतना सब, उस डेटा का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके निचोड़ निकालते हैं, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, इसी का नाम है रिसर्च है। तो आपने सेमिनार देखा, किस प्रकार से अलग अलग किसानों ने अपना वक्तव्य दिया, डॉक्टर साहब जो आए हुए थे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और इस अभियान के जो संस्थापक थे, जो आयोजक थे, उनके धर्मपत्नी जी भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। चलिए कुछ किसान अलग अलग जगह से, हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना समय हो गया जी आपको खेती करते हुए? मेरा नाम दलजीत सिंह है, मेरा गाँव जेवरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार से आए हुए हूँ। उन्होंने पिछले 6 साल से डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन से जुड़ा हुआ हूं और बगैर पेस्टिसाइड के मैं खेती कर रहा हूं पिछले 6 साल। कितना की इनकम आपको आ जाती है? इनकम तो जो मेरी है, जो पहले आती थी, मान लिया जैसे मेरे एरिया की अगर बात करें तो हमारे करीबन 8 क्विंटल के आसपास नरमा होती है, वही मेरी इनकम में कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो मेरा पेस्टिसाइड पर खर्च था वो मेरा घट गया, वो मेरी एक प्योर इनकम मान के चलो आप उसको। चलिए, यानी कि पैदावार उतनी है, इनकम ज़्यादा हो गया, इनकम आमदन मेरी ज़्यादा हो गई। चलिए जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ जी, काशीराम बाद से, और यहीं से जो क्लास चलाते हैं वो अपने खेत में चलाते हैं, और पिछले 5 साल से मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से जुड़ा तब से कोई पेस्टिसाइड पे खर्च नहीं किया, और मेरे उत्पादन पे पेस्टिसाइड बंद करने का कोई नहीं फर्क पड़ा। 3 साल मैं सीखे, 15, 16 और 17 और 18 में हमने जो सिखाने का काम है वो शुरू किया है। कितना आप अभी जैविक खेती से कमा रहे हो? 1 एकड़ की अगर बचत की बात करूं, गेहूं की और नरमे की, तो कितनी का जाती है? 1 एकड़ की आप मान के चलो 10 क्विंटल तो हमारा नरमा जो भी भाव है, और मैं जैविक खेती से 15 से 16 क्विंटल मैं गेहूं निकाल लेता हूं, और 3,000 से 3,500 रुपये हमारे गेहूँ की बिक्री बड़ी आराम से हो जाती है। यानी जैविक खेती, जैविक की बिना खाद स्प्रे की। चलिए कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप कहाँ से आएंगे? मैं अंकित उमरा गांव से, जिला हिसार से हूँ। जिला हिसार से। आप क्या कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे सर इस जैविक खेती को लेकर? ये ऐसा है ना, आजकल प्राइवेट सेक्टर में जो मेरे साथी युवा जो नौकरी करते हैं उसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन भाई जो जहर के मामले में किसान बार बार आत्महत्या करता जाता है कर्ज के मामले में, तो मैं यही चाहता हूं कि अगर जो इस पद्धति से अगर कोई भी किसान खेती करेगा तो वो किसान चाहेगा कि मेरा बेटा भी किसान ही पैदा हो, न कि मेरे सेक्टर से निकल के बाहर जाए। पहले क्या सिस्टम था, जिस तरह खेती को एक उत्तम दर्जे का माना जाता था, व्यापार मध्यम दर्जे का था और नौकरी को नीच की स्थिति में रखा जाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, कुछ मतलब भाई पेस्टिसाइड वाले रोर उन्होंने बेकाबू होके किसान को ऐसा कर दिया है, खेती को नीच दर्जे में ला दिया है, व्यापार वहीं पर है और नौकरी को उत्तम दर्जे पर ला दिया। मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ भाई, जितना भी लोग कोशिश हैं, लोग भाई थोड़ा मोटा एरिया में ये करके देखें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। कहने का भाव ये है
ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी की जो ये क्लास चल रही है इस एरिया के अंदर बहुत बड़ी एक परिवर्तन की लहर का काम करेगी, क्योंकि इनकी क्लास के अंदर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर है कि आप कम से कम पेस्टिसाइड को छोड़ो, फर्टिलाइज़र को छोड़ो और ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दो। तो इस जहर को हटाने के लिए ये ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को लेके जा रहे हैं, ये इस एरिया के लिए बहुत बड़ा एक बदलाव होगा। जी आप कहाँ से आए? मेरा इसार बोझराज गांव है जी, इसार डिस्ट्रिक्ट। तो आप भी जैविक खेती करते हैं? हाँ जी जैविक। कितने एकड़ में करते हैं आप? मेरे 16 एकड़ है जी। 16 एकड़ है, सारी की सारी जैविक खेती करते? सारी जैविक खेती होती है। तो कोई उत्पादन पे किसी तरह का फर्क, जब स्टार्टिंग में आप कीटनाशकों वाली खेती करते थे? आधा किला में करके देखी थी, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब वही रिजल्ट उसका था वही उसका था, उसके बाद आगे बढ़ा दिया। सब्जियां भी करते हैं जैसे, वो सारी उसी से जैविक करते। और जैविक सब्जी जो होती है वो उसका रेट भी शायद ज्यादा नहीं? अभी रेट तो वही मिलता है, रेट तो रेट के लिए कोई समूह वगैरह बने या कोई, जैसे किसानों का एक, जैसे गंगानगर में बता रहे हैं पूरा एक समूह बना रखा है उन्होंने, खुद की दुकान कर रखी है, वो ऐसे बच्चे तो ठीक है, उसमें भी सारी वरायटी चाहिए सब्जियाँ की। फिर हमारे तो जैसे खाली घिया लगाते हैं उसकी ज्यादा होती है। मैं रणधीर सिंह करोड़ी हिसार से, हाँ 6 साल से मैं ये ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। मैं, मेरे पास किन्नू का बाग भी है, अमरूद का भी है, नींबू का भी है। अब की बार ये 10 रुपये किलो बिक रहा है किन्नू है, मैंने पहले से ही मतलब निकाल दिया 16 रुपये किलो मेरा गया है ऑर्गेनिक के कारण से। और मैं नरमा करता हूँ, नरमाई मेरे बहुत अच्छी है, 24 क्विंटल हो गई 4 एकड़ में, तो मेरे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सभी भाइयों को कहता हूँ मैं तो, भाई जहर छोड़ो। चलिए जी, आप कहाँ से आए? नमस्कार जी, मैं गाँव भोजराज से हूँ जी, जिला हिसार जी। मैं 2 साल से सुरेंद्र दलाल की शाला से जुड़ा हुआ हूँ और इसी तरह से खेती करता हूँ, लेकिन 2 साल से मैं कोई कीटनाशक नहीं डालता। और उसके बाद से जो उर्वरक जो डालते हैं हम, फर्टिलाइज़र है, उसकी 2 साल से मैंने आधी डोज कर दी है और अगले 1 या 2 साल से बिल्कुल क्लियर हो गए। चलिए, कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो लोकल हैं इसी गांव से, जो जैविक खेती करते हैं। कहाँ से जी आप? काशी का बास से। कितना साल, कितने टाइम से आप खेती कर रहे हैं? सर खेती तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन बगैर पेस्टिसाइड की खेती 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं जी। तो किस तरह का अनुभव है आपका पेस्टिसाइड वाली और विदाउट? अनुभव तो जी ऐसा है, जो पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं उनके बच्चों के पास ना तो कोई, उन डॉक्टरों के पास कोई डिग्री होती, ना ही उनके पास कोई जानकारी है। आपके गाँव के अंदर वो आ जाते हैं मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अगर आप उनके साथ चढ़ जाएं खेत में ले जाएं, उनको कह दें भी इसका ATL लेवल निकाल के दें, तो उनको पता भी नहीं है। और दूसरा ये है कि पेस्टिसाइड बेचने के लिए किसी दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, कह देते हैं कि 5 लीटर ले लो इसके साथ पंखा दे दें, क्या मतलब हुआ इसका जी। और यहाँ पर जो है रिजल्ट है 100% है, 204 कीटों की पहचान डॉक्टर दलाल ने की थी, उसका ज्ञान हमने प्राप्त किया है और हमें कोई मतलब बाजार की जरूरत नहीं है, जमीन पर काम करने की जरूरत है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम किसानों का यही कहना है कि जो जैविक खेती है और जो कीटनाशकों वाली खेती है, खेती में कोई फर्क नहीं है, उत्पादन उतना ही है लेकिन आमदन जो किसान की है वो ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है वो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको बता भी दूं कि अगर आप कीटनाशकों की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये के लगभग आप कीटनाशकों का छिड़काव करते हो, स्प्रे डालते हो, उसमें खाद डालते हो, तो वो जो आपका खर्चा है वो अगर जैविक खेती करते हो तो वो आपका सीधा सीधा बच जाता है। केवल और केवल 5 हज़ार रुपये के अंदर आप जैविक खेती 1 एकड़ में कर सकते हो। तो ऐसे में वो जो खर्चा 7 से 10 हज़ार रुपये का आपका फालतू लग रहा है वो आप बचाव कर सकते हो। और इस तरह से अगर आमदन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो किसानों का कहना है कि 10 क्विंटल नरमा और 20 क्विंटल के लगभग जो है गेहूं, यहाँ पे हमें किसानों ने बताया, वही कीटनाशकों वाली खेती में होता है और वही जैविक खेती में होता है। तो आमदन में ज़रूर फर्क है लेकिन उत्पादन में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे में आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जैविक खेती एक बार 4 एकड़ या 1 एकड़ या आधा एकड़ आप यूज करके देखिए, उपयोग करके देखिए, उसके बाद में अगर आपको प्रॉफिट नज़र आता है तो आप भी जैविक खेती की ओर अग्रसर होइए और अपने समाज को जहर खाने से बचाने में एक अपना अहम योगदान देने का काम कीजिए।